वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद। आज आपके लिए लेके आया हूँ लास्ट सेक्शन विच इज अवेलेबल इन दी होम रिबन टैब। होम रिबन टैब का जो लास्ट सेक्शन रहेगा हमारा सेल्स एंड एडिटिंग, वो कैसे यूज़ करना है हमें हमारे डे टू डे लाइफ में, वो मैं आपको शो करना हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो ये होम टैब, ठीक है, अगर आप नए हो इस चैनल में दोस्तों, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर एंड स्टाइल्स, इसके ऊपर मैंने वीडियो सीरीज पहले बना रखी है, अगर आप चाहिए तो वीडियो रेफर कर सकते हो। एंड देन ये सीरीज में हम कवर करने वाले हैं सेल्स, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता ही है सेल्स किसे कहते हैं, जो पर्टिकुलर शीट के अंदर ये पर्टिकुलर जो बॉक्स दिख रहा है हमें, उसे हम सेल कहते हैं, करेक्ट। अब ये मुझे सपोज शेड्यूल बनाना है, राइट, शेड्यूल बनाते समय ये कुछ मैं सपोज डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट, ये कुछ ड्रैग कर लिया मैंने यहाँ पे नीचे, एंड देन इसे मैं कुछ यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। सो ये पूरा मैं कवर करने वाला हूँ फिल के अंदर, करेक्ट। बट बिफोर वी गो ऑन दी फिल, उससे पहले हम करने वाले इंसर्ट। अभी इंसर्ट कैसे करेंगे, मैं पहले डेटा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ नए शीट के अंदर, एंड देन यहाँ पे डबल क्लिक करके ऑटोमेटिकली वो ऑटो फिट हो जाएगा। डबल क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रीन जूम थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर सेल्स पे क्लिक करो आप, एंड देन इंसर्ट सेल, ये कुछ आपको सेल इंसर्ट कर देगा, करेक्ट। एंड देन इंसर्ट रोज, ये आपको रोज ऐड कर देगा, अ पर्टिकुलर रो जो रह जाइए, राइट, रो आपको ऐड कर देगा, कितने आपको रोज चाहिए, रो एज इन दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज कॉल्ड रोज। एंड देन आपको अगर कॉलम चाहिए, राइट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देन इंसर्ट ए कॉलम, ये मुझे कुछ कॉलम ऐड करके दे रहा है, परफेक्ट। सो बेसिकली इंसर्शन काइंड ऑफ है, तो आप जो कुछ चीजें यहाँ पे देखोगे, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट करते रहेगा, करेक्ट। देन यहाँ पे इंसर्ट टेबल जो कुछ है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होते रहेगा। देन इंसर्ट यू नो डिलीट सेल्स, डिलीट सेल्स एज एन आपको वो पर्टिकुलर जो सिलेक्ट आप करोगे उसे डिलीट करते रहेगा। अब यहाँ पे डिलीट सेल, अगेन ये पूरा डिलीट हो जाएगा, करेक्ट, डिलीट एंटायर रो कर दिया उसने। आपको डिलीट शीट करनी है तो आप डिलीट शीट भी कर सकते हो, एंटायर डिलीट शीट जो होगी आपको डिलीट हो जाएगी। देन यहाँ पे रो हाइट, करेक्ट, आपको अगर रो की हाइट बढ़ानी है, घटानी है, कम करनी है, सपोज मेरा डेटा कुछ इस प्रकार है, करेक्ट, एंड देन मुझे वो समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो मैं डाल दूँ यहाँ पे 17 काइंड ऑफ, यू नो, तो ये डेटा मेरा एक्चुअली हाइट हो गया। इसे क्या करता हूँ मैं, एक सपोज ये कुछ इस तरह से मेरा डेटा समटाइम्स होता है, राइट, हम लोग कुछ काम कर रहे हैं ना वो टाइम पे हो जाता है कि अपना कुछ शीट जो है इस तरह से कुछ दिख रही है, राइट। सो मोस्टली आई वुड रिकमेंड यहाँ पे जाने के बाद आप ये सब टीडियस काम करोगे, ठीक है, ऑटो फिट देन दिस थिंग, या फिर रो हाइट मैनुअली जाके ऐड करोगे। सो जस्ट एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, डबल क्लिक करना यहाँ पे, ये जो आइकन आ रहा है, राइट, डबल क्लिक करना, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, एंड देन जो ये रहेगी कॉलम वाइज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। सेम सिनेरियोज है दोस्तों, जो अपन राइट क्लिक करके वहां पे करेंगे वो यहाँ पे होगा, हाइड एंड अनहाइड, ठीक है, ये हाइड करेगा पर्टिकुलर रोज को, एंड देन देखो अगर 1 2 2 यहाँ पे हाइड है, करेक्ट, सो इसे डबल क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम चीजें यहाँ पे दी गई है, बट आपको यू नो जैसे हम पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें थोड़ा वर्क यू नो स्मार्टली करना होता है, तो हर टाइम हम जाके इंसर्ट में जाके सब चीज़ें ऑप्शन नहीं करते बैठेंगे, ठीक है दोस्तों। सो हमें क्या करना है, थोड़ा स्मार्टली खेलना होता है, राइट क्लिक करोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको आ जाते हैं, तो आप यहीं से काम किया करो, पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू, ठीक है। ये सब मैं आपको खाली बता रहा हूँ एज एन बोनस टिप, एंड देन यहाँ पे क्लिक करोगे, कंट्रोल जेड देता हूँ, रिनेम शीट, ठीक है, आपको कुछ शीट को रिनेम करना है तो आप कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको
धुंधा धुंधा सा क्यों ना हो, बट अगर याद आता हो तो मैंने ये ऑलरेडी कवर कर दिया था टैब वाला ऑप्शन. अगर आप नए हो इस चैनल में, सो आई वुड रिकमेंड यू गो एंड वॉच दैट वीडियो सीरीज. उसमें पूरे चीज़ें मैंने पहले ही कवर कर रखी है, तो अपना टाइम उतना बचेगा दोस्तों. ये वीडियो मेरी छोटी बनेगी एंड देन जितना आप बोर भी ना हो, राइट. उससे प्रोटेक्ट शीट भी अगर आप देखोगे यहाँ पे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप प्रोटेक्ट शीट के अंदर ऑप्शन मैंने पहले ही कवर कर रखा था, ठीक है. सो दिस इज द बेसिक यूज सेल्स का. अब हम विदाउट फर्दर डिले हम लोग नो जंप करेंगे एडिटिंग ऑप्शन के अंदर, विच इज कॉल्ड ऑटो सम एंड देन दिस थिंग फ्लैश फिल, करेक्ट. अगेन ये जो फ्लैश फिल है कुछ नहीं करता, बस ऑप्शन यही है इसका. अगर मैं नीचे क्लिक करूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके, इसे मैं, चलो वैल्यू मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इजी वे में समझा सको. सो अगेन ये हम लोग जो राइट क्लिक करके करेंगे ना, वही ऑप्शन है ये जो फ्लैश फिल्म में होता है, ठीक है. ये डाउन आ गया, राइट, एंड देन इसे मुझे 14th को अप लेके जाना है, जो वैल्यू है उसका अप पे पुट होनी चाहिए. सॉरी, ये वाला 15th का यहाँ पे आना चाहिए, तो इस तरह प्रकार आ जाएगा. अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल जेड प्रेस करके, ब्लैंक के अंदर मुझे नीचे की जो वैल्यू आएगी वो मुझे ऊपर चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी. सो मोस्टली दोस्तों अगर आप देखोगे नो वॉइस, तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, राइट, जो वीडियो भी मेरे देख रहे. तो मैं क्या करूँगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ डेट है मेरे पास और कुछ टाइम है, ये जो फ्लैश फिल वाला जो ऑप्शन है वो, ठीक है. इसे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कर्सर रखोगे तो आपको ये कुछ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको एक प्लस साइन दिखेगा. क्या करना है हमें, खाली उसे ड्रैग करना है. ये ड्रैग करा, करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है. ये वाले इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, आप वहां पे जाके मैनुअली करोगे एडिटिंग के अंदर ना, उससे बेटर आपको ये ऑप्शंस यूज करने बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है. ये कुछ फॉर्मेटिंग अगर मेरी कुछ ऊपर हो तो ऑटोमेटिकली मुझे फॉर्मेटिंग नीचे चाहिए तो मैं ऐड कर सकता हूँ. मुझे वो नहीं चाहिए ऑप्शन, खाली कंटेंट ही चाहिए, जो कॉपी ऊपर हुआ है कंटेंट वही नीचे कॉपी होना चाहिए. ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है. फिल सीरीज, ये सीरीज मुझे पूरा सीरीज वाइज ऐड होते रहेगा, 8, 9, 10, करेक्ट. इससे खाली वो जो ऊपर डेटा जो है वही ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा. एंड देन फॉर्मेटिंग तो मैंने कुछ कर नहीं रही है यहाँ पे, लेकिन अगर मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए, करेक्ट, सपोज मैं दे रहा हूँ यहाँ पे ये कलर एंड देन इस प्रकार, मुझे उसे पुल करना है नीचे, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. बट बाय एनी चांस अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो खाली फिल फॉर्मेटिंग करना है हमें, ये जो डेटा ऑटोमेटिकली वही रहेगा एंड देन खाली सी वो चीजें आती रहेगी, करेक्ट, 9, 10. इसमें आप कैसे करोगे दोस्तों, खाली आपका ईयर मंथ चेंज होते रहेगा, मंथ वही रहेगा और पर्टिकुलर डे चेंज होते रहेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, करेक्ट. अभी यहाँ पे ईयर्स चेंज हो रहा है, बड़ा यूनिक सा फंक्शन है दोस्तों, और ये हमें वर्क स्मार्टली कैसे करना है ना वो सिखा के चला जाता है. सो दिस इज दी फिल, करेक्ट, एंड देन ऑटो सम हम देखेंगे अभी, ऑटो सम के अंदर क्या बोलते हैं ये, करेक्ट, ऑटो सम. अब मैं क्या करता हूँ, इसे ये डेटा नहीं चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल एक्सप्रेस करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ऑटो सम. तो ये ऑटोमेटिकली सम ले लेगा एंड देन यहाँ पे रेंज कुछ दिखा रहा है, करेक्ट. मैं थोड़ा सा इसे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखते ऑटो सम, ये कहाँ कहाँ से वैल्यू ले रहा है इसको आपकी पूरी रेंज बता रहा है वो, करेक्ट. यहाँ से उसने रेंज ले लिया एंड देन आपको एवरेज निकालना है, काउंट नंबर निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर, तो आप वो भी कर सकते हो. यहाँ पे एवरेज आपको निकाल के दे देगा, देन यहाँ पे खाली क्लिक करो एंड देन काउंट नंबर्स. अभी काउंट नंबर्स क्या होता है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम आउट कर लेता हूँ, ये भी मैंने पहले कवर कर रखा है, ठीक है, ऑटो सम का. अगर आप देखोगे मेरी पुरानी वीडियो सीरीज तो उसमें मैंने पहले कवर कर रखा था. ये जो बैकग्राउंड में जो टाइटल बार में होता है ना, मैं कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ दोस्तों, ठीक है, एंड देन इसे थोड़ा सा ये कर देता हूँ. सपोज मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ 90 एंड देन
89, इसे मुझे टोटल करना है, करेक्ट। सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे एवरेज भी आ रहा है मेरे पास, ये पर्टिकुलर वैल्यूज भी आ रही है, राइट। तो स्मार्टली वर्क करने का एक तरीका है दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि मेरे जो व्यूवर्स है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क करें एंड थोड़ा इंप्रेशन भी हट, राइट, ऑफिस में। तो इसलिए ये मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही था, मुझे आपको स्टेटस बारे दिखाना था, वो भी मैंने पहले कवर कर रखा था, ये जो ऑटो सम ऑप्शन है वो, एंड देन सेल्स क्लियर जो फॉर्मेटिंग आपने कर रखी है, फॉर्मेटिंग आपको क्लियर करानी है तो उसके लिए ये क्लियर फॉर्मेटिंग ऑल होता है, करेक्ट। तो पूरा निकल जाएगा कंटेंट के साथ में, पूरा जो फॉर्मूला एंड जैसे परफेक्ट। सो क्लियर एज एन क्लियर कर दो भाई, हमें चाहिए नहीं उस चीज़ को, ठीक है। क्लियर कॉलम्स जो है यहाँ पे, कंटेंट कमेंट्स जो आप कमेंट्स ऐड करोगे यहाँ पे, अभी मेरे पास कुछ कमेंट मैंने ऐड करी थी यहाँ पे, लास्ट मंथ गेव हिम 1000, ठीक है, सैलरी के अंदर। अब एक कमेंट कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पूरा फंक्शनलिटी आपको समझा दूँ। सेल्स मैंने कवर कर लिया, राइट, ऑटो सम फील क्लियर, दिस ऑल कवर्ड। नाउ विल स्टार्ट विद दी सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी दिक्कत हो समझने में, ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड वॉच माई अर्लियर वीडियो सीरीज, ठीक है, उसमें पूरा मैंने डिटेल लेवल में बता दिया है। मैं चाहता हूँ कि वीडियो मेरे दोस्त लोग यू नो थोड़ा स्मार्टली वर्क करें एंड देन इसका मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो, करेक्ट, बेनिफिट एज एन मेरे जो व्यूवर्स है उन्हें अच्छे से दिखा दे, करेक्ट। एंड देन यहाँ पे सॉर्टिंग करोगे आप, इसे मैं टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट, ये कुछ सॉर्टिंग इस तरह से दिखा देगा, ठीक है, जेड टू ए, तो डब्ल्यू आगे आ जाएगा एंड देन वो सब चीजें नीचे आ जाएगी, ये सॉर्टिंग कर देगा कस्टम सॉर्ट। एंड देन आपको जो कुछ सॉर्टिंग यू नो थोड़ा एडवांस लेवल की करनी है तो आप इसे यहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर, फिल्टर जो आप पुट करते हो, अगेन फिल्टर पुट करने के लिए कुछ और शॉर्टकट कीज भी होंगी, अगर आपको कुछ पता है तो मुझे प्लीज बता दो, ठीक है, मुझे पता जो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अल्ट डी एफ एफ प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली फिल्टर ऐड होता जाएगा, ठीक है। फिल्टर से क्या होता है, वो पर्टिकुलर वैल्यू भी हम शो कर सकते हैं या देख सकते हैं कि हाँ ये दिस पर्टिकुलर ये करके सैलरी रेंज इतना है, अल्ट डी एफ एफ टू रिमूव दैट पर्टिकुलर फिल्टर, करेक्ट। तो दिस इज दी थिंग दोस्तों, अब ये फ्रीज क्यों है ऑप्शन एंड देन ये क्यों नहीं आ रहा है तो उसके लिए मैं बता दूँ, ये फिल्टर पहले आप ऐड करोगे एंड देन ये कुछ फिल्टरेशन अगर आप लगाओगे तो ये कुछ आपको एक्टिव हो जाएगा, क्लियर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा। मोस्टली दिस ऑल आर बीइंग कवर्ड नाउ, ठीक है। अब मुझे देखना है फाइंड एंड सेलेक्ट, ये बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है दोस्तों, भले ही ये सर्च एंड रिप्लेसमेंट में यूज़ होता हो बट थोड़ा उसे हम और थोड़ा सा बारीकी से देखें तो उसका यूज़ और अच्छा हो सकता है, राइट। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, ठीक है, मुझे फाइंड करना है, मेरे पास सपोज बहुत सारा बड़ा डेटा है, राइट, एंड मुझे फाइंड करना है डेटा एंट्री काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल होगा, ये सब मुझे बता रहा है, करेक्ट। दिस इज दी थिंग, इजी वे रहता है, हमें दिक्कत नहीं होती कि कहाँ पे जाके हमें फाइंड करना है किस चीज़ को रिप्लेस। अब मुझे उस जगह पे डेटा एंट्री की जगह पे कुछ लिखना है, डेटा साइंटिस्ट ऐसा लिख दूं मैं एंड देन रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूं। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेटा जितना था ये सब ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, करेक्ट। सो इसका यूज होता है ये, एंड देन गो टू स्पेशल, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे सब ऑप्शंस है ये वीडियो सीरीज में सेपरेट से बना दूंगा गो टू स्पेशल पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक्स जैसे कवर कर रहे हैं तो वही मैं चाहता हूँ ब्लैंक जहाँ जहाँ पे है वो मुझे शो करे। तो उसके लिए पहले मुझे टेबल सेलेक्ट करना होगा एंड देन गो टू स्पेशल पे क्लिक करता हूँ मैं, ब्लैंक, अब ब्लैंक सिलेक्ट कर रखा उसने, उसमें मुझे कुछ अगर रिप्लेस करनी है वैल्यू, करेक्ट, तो मैं ये हटा के यहाँ पे डाल दूँ 3000 पर्टिकुलर वैल्यू एंड देन ये कुछ ब्लैंक के अंदर ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ऐड कर देगा। सो इस प्रकार दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो टोटल होम रिबन टैब का,
आपके डेली रूटीन लाइफ में। अपकमिंग वीडियो सीरीज में हम देखेंगे ये कैसे यूज़ करना है, करेक्ट। और इसमें दोस्तों आपको एक और एक बताना था, अगर आप जो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हो राइट, जो यहाँ से इंसर्ट में जाके यहाँ से कुछ हम लोग शेप लेते हैं, करेक्ट। ये शेप जो ऐड किया है हमने, अब ये शेप ऐड करने के बाद मुझे सिलेक्ट देखना है कि कौन सी स्टेप हम लोगों ने कैसे फॉलो करी थी, ठीक है। सो फाइंड रिप्लेस में जाने के बाद अगर आप देखोगे सिलेक्शन ओनली, तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं हर एक टेबल को। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से हम देख सकते हैं किसी को अगर हाइड करना है, अनहाइड करना है वो पर्टिकुलर चीज़ को, जब हम शेड्यूल बनाते हैं या फिर डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, वो टाइम पे अगर जब भी हमें लगता है यूज़ करना है स्टार्टिंग हेडलाइन डाल के राइट, तो वो टाइम पे बड़ा ही यूजफुल होता है, करेक्ट। सो दिस इज द थिंग। अब ये कमेंट भी मैंने जो डाली थी वो मुझे हाइड हो रही है, मुझे कमेंट शो नहीं चाहिए, तो ये कमेंट कुछ इस तरह से शो हो गए। फाइंड एंड रिप्लेस में दोस्तों और एक है कमेंट्स, ठीक है। मुझे अगर कमेंट ढूंढनी है कहीं पे, ठीक है, तो कहाँ पे है मुझे दिख नहीं रहा है राइट, डेटा मेरे पास बड़ा है सिंपल, तो मेरा कर्सर अगर यहाँ पे है करेक्ट डेटा एनालिस्ट के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करना है मुझे, ये ऑटोमेटिकली कर्सर मेरा यहाँ पे लेके जाएगा और मुझे बता देगा कि कमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, जो कोई क्लाइंट है मेरा या फिर किसी के पास मैं शेयर कर रहा हूँ ये शीट को, तो ही कैन डायरेक्टली आइडेंटिफाई कि हाँ फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन जिसका ये जॉब रोल है उसे हमने प्रीवियस मंथ में सैलरी दे चुकी थी या फिर अदा कर दी थी, करेक्ट। सो डेटा वैलिडेशन रूल मैंने कहीं पे अप्लाई नहीं किया अभी तक, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको फिलहाल अभी के लिए, वो मैं डेटा इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर रखी है, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियोस दिख रहेगी इसकी पहले वाली, ठीक है, स्टाइल्स की कंडीशनल फॉर्मेटिंग वहाँ पे मैंने कवर कर रखी थी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जिसने वो वीडियो देखी उनको पता चला ही होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, करेक्ट। तो अगर मेरा टेबल मेरे पास चार या पांच है राइट, एंड मुझे यू नो चेक करना है कि पर्टिकुलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी कहाँ पे है, कौन से टेबल पे, तो उसके लिए फाइंड एंड रिजल्ट एंड देन इस पर क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि इस टेबल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग चुकी है, सिंपल। सो ये बड़ा ही मज़ेदार फंक्शनैलिटीज़ है दोस्तों, आप कैसे यूज़ करते हो आपके पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर डील वाइज या फिर जहाँ पे आप काम कर रहे हो, करेक्ट, तो वो आपके हिसाब से देख लेना। एंड देन इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर आप चाहते हो कि उसमें मैं वीडियो सीरीज और बनाऊँ, सो फील फ्री टू पुट योर कमेंट्स इन दी बिलो बॉक्स, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज।